नमस्कार। खबर भारत का खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन सभी क्षेत्रों पर फोकस करें जहां पर आज खास कार्यक्रम होने वाले हैं या कुछ विशेष घटना होने वाली है। तो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जगह से हमारे खास रिपोर्टर जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन से विशेष कार्यक्रम उनके क्षेत्र में होने वाले हैं और किन घटनाक्रम पर हमारी पूरे दिन नजर रहेगी। तो इस और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हेमंत। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ खास होने वाला है। जी हेमंत नमस्कार मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप तो देख ही रहे हैं कि मौसम इस समय बहुत खुशमिजाज है और बारिश सुबह से ही लगातार निरंतर मध्यम गति में हो रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ था कि मौसम की लगभग 3 दिन लगातार चंबल शहडोल इलाके में और लगभग मध्य प्रदेश के 23 इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं रहेंगी और 21-22 तारीख तक इसकी संभावना बताई थी, जिसका असर ग्वालियर में भी देखा जा रहा है और मौसम लगातार बरस रहा है और बारिश हो रही है। और बाकी बताना चाहेंगे कि मैडम लगातार मौसम की तो मौसम विशेषज्ञों ने भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हमने देखा कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपके क्षेत्र की अगर हम खासतौर पे बात करें तो यहाँ पर किस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो बदलता दिख रहा है। जी मैडम बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि काफी मध्य प्रदेश के काफी जिलों में बारिश हो रही थी, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर एक ऐसी जिला है जहाँ पे बारिश हर बार की तरह लेट आती है और यहाँ पे उमस का जो गर्मी उसमें धूप और उमस ये लगातार यहाँ की ग्वालियर की जनता बहुत परेशान होती है और बारिश आने का बहुत इंतजार करना होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बारिश इस बार बहुत अच्छा आई, मौसम में बदलाव 1-2 दिन के अंदर ही आ गया, टेम्परेचर काफी तापमान नीचे आया और लोगों को यहाँ पर काफी राहत है। और बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश में व्यवस्थाएं भी करनी होती है। बारिश को लेकर नगर निगम कितना मुस्तैद नजर आ रहा है ग्वालियर में, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है व्यवस्थाओं से निपटने के लिए? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम बारिश के साथ साथ या अपर कलेक्टर ग्वालियर की सड़कों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और जिन जो से बारिश में माहौल खराब होता है, गंदगी से बीमारी फैलती है, तो कल ही कार्यवाही और आज कार्रवाई देखने को मिली कि सड़कों पर गोबर की व्यवस्था और गंदगी फैलाने वालों पर उन्होंने उनको समझाया कि इस तरीके से आइंदा न करें तो कार्रवाई बिल्कुल सख्त की जाएगी इसके ऊपर, ये भी लगातार देखने को मिला हमें ग्वालियर प्रशासन की तरफ से। और इसमें साथ ही प्रशासन ने कई गतिविधियां भी आयोजित की हैं, जिसमें हर घर झंडा आयोजित करने के लिए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने इसकी बिल्कुल जानकारी दी है कि ग्वालियर हर घर झंडा प्रशासन द्वारा जो आयोजित किया जाएगा उसमें सभी लोग सहभागी रहेंगे और इसमें राष्ट्रीय की जो भावना है वो जनता के बीच में रहेगी और इस कार्यक्रम में सभी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जनता के क्या रुझान आ रहे हैं अगर मौसम को लेकर बात करें तो जहां बहुत परेशान हुई थी, कई क्षेत्रों से हमें समस्याएं भी सामने आई थी, उसमें देखा गया था कि जो जनता है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है बारिश की वजह से, तो ऐसी कोई स्थिति ग्वालियर में भी बनती दिख रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा हो? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन की तैयारियों के बावजूद तो आमतौर पर देखी जाए बारिश ग्वालियर में अभी सिर्फ 2-3 दिन से ही बारिश हो रही है, जिसमें कि कुछ समय तक के लिए तेज बारिश होती है, बाकी काफी समय नहीं हो रही। बावजूद इसके शहर में कई जगह पर जल भराव हो रहा है, शासन प्रशासन के दफ्तरों और बंगलों में भी पानी पीने की सूचनाएं मिली थी और व्यवस्था चौराहे होंगे, गाड़ियां अस्त व्यस्त हो रही है, इसके लिए प्रशासन को और जल्दी तैयारी करनी होगी क्योंकि अगर 2 दिन की बारिश में ये तो पूरे मौसम को इस तरह से जनता की परेशानी को सामना बार बार करना पड़ेगा। तो यशवंत, अगर हम ग्वालियर की आज की खास तौर पे बात करें तो एक तो सावन का महीना चल रहा है, सावन को लेकर भी कई जगहों पर जो है विशेष तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, ऐसे ही कुछ नजारा ग्वालियर से भी हमने देखा कि सावन को लेकर काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। सुन पा रहे हैं यशवंत? जी मैम, हेमंत बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है तो प्रभाव पूरे शहर में भी देखने को मिल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पार्कों और अपने दिन की दिनचर्या जो एक तरह से व्यस्त हो गई थी कि लोग सुबह शाम को ही काम के लिए बाहर निकल
थे, अपना पूरा समय घर पे गुजारते थे, क्योंकि बदलते मौसम और धूप और उमस की वजह से लगातार बीमारियां भी बढ़ रही थी और जिसका हेल्थ पे भी असर पड़ रहा था, खासकर बच्चों और बुजुर्ग को इनके बीच में खास ध्यान देना पड़ रहा था। लेकिन मौसम के बदलते ही आज शहर भर में पूरी हिचक है और लोग पूरे सड़कों में बाहर निकल रहे हैं, पार्कों में बाहर निकल रहे हैं, अपने काम पे आ जा रहे हैं। हेमंत, अगर बात करें मंदिरों की तो मंदिरों में भी विशेष साज सज्जा नजर आती है। शिवालयों में कई विशेष तरह के कार्यक्रम भी किए जाने हैं, तो ग्वालियर में कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ फहरिस्त बनी है मंदिरों के हवाले से? जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि सावन का पावन महीना के देखते हुए प्रशासन ने शुरू हर तरह की तरह पहले ही पूरी दिशा निर्देशित करके और सभी संगठनों के प्रमुखों से मिलकर इसके ऊपर सभी रूट भी तैयार किए गए, इसके ऊपर सभी तैयारियां भी की गई, सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया पुख्ता, और इसमें खासकर जनता की सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान रखा गया कि जनता की सुविधाओं को लेकर इसमें किसी तरह गतिरोध और अवरोध ना हो, तो इस तरह पूरी पूरी जानकारी और पूरी गाइडलाइन इनको समझा के इसको फॉलो कराया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई भी समस्या सामने ना आए। हर क्षेत्र में SDM द्वारा तहसीलदार को नियुक्त किया गया है और तहसीलदार द्वारा लगातार थाना प्रभारी से भी संपर्क में रहते हैं, जिससे कि लगातार समस्या ना आए। जी बिल्कुल हेमंत, और अगर बात करें क्राइम सेशन में अगर हम जाते हैं तो उज्जैन में भी लगातार जो है क्राइम को कम करने के लिए पुलिस जो है वो काफी मुस्तैद नजर आ रही है, तो इसको लेकर पुलिस क्या कुछ तैयारियां कर रही है? अगर त्योहारों की बात करें तो त्योहारों में भी जो है कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते, कुछ समस्याएं उनकी वजह से भी कार्यक्रमों के दौरान देखी जाती है, तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर पुलिस प्रशासन द्वारा आज ही हाल ही के में 1-2 दिन में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिससे पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस की स्तर ग्वालियर का बहुत समझ में आता है कि ग्वालियर में 3 क्राइम की जो बड़ी बड़ी अभी सफलता मिली है, एक 3 नकाबजनों को पकड़ा गया है जो सूर्य घरों में रैकी लगा के चोरी किया करते थे, और जिन्होंने अभी पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिन्हें 7 चोरी उन्होंने कबूली गई है, यहाँ पर उन्होंने एक पूरी गैंग को पकड़ा गया, जिससे कि जो शहर में दहशत और ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत मचा रहे थे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक युवक द्वारा एक युवती का हत्या कर दी गई थी, जिसको मात्र महज 10 घंटे के अंदर ग्वालियर पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया। एक देवर ने अपनी भाभी की बहन का ही गला घोट दिया, एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला था इसमें, और इसमें लगातार सीसी फुटेज प्राप्त हुई, जिसके बाद 10 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस तरह से हम पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं, साथ ही ग्वालियर क्राइम से लेकर और बिल्कुल सड़कों पे लेकर जो जो पुलिस प्रशासन जो मौजूद रहता है वो रेड लाइट रहती है, और सब जगह पर उनकी कार्रवाइयाँ जो इस समय है वो गतिमान है, और अगर आगामी कोई भी समस्या जब आती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उचित गाइडलाइन लेके उन पर कार्रवाई उचित तरीके से की जाती है। हेमंत, मैं चाहूंगी कि आप हमें मौसम की भी अपडेट दे दें, किस तरह से वहां पर मौसम नजर आ रहा है। सुबह से ही जो है ग्वालियर में धूप खिली हुई है या बादल छाए हुए हैं, किस तरह से मौसम नजर आ रहा है? जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में लगातार 3-4 दिन से मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। सुबह दोपहर उमस के साथ साथ शाम को ही मौसम का अंदाज बदल गया। शाम होती 7-8 बजे से बारिश 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मध्यम या तीव्र गति से लगातार हो रही थी, जो 2-3 दिन से इसका नियमित बना हुआ था, लेकिन आज सुबह देखा गया कि मौसम सुबह से ही खुशमिजाज है और यहाँ पे बारिश लगातार धीमी गति से हो रही है, बीच में कभी तेजी से भी बारिश को भी हम देख पा रहे हैं, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, और ये बारिश जो मानी जाती है कि जो बारिश जमीन में जाके ठंडक पैदा करती है, मौसम बदलती है, इसका सब हम देख पा रहे हैं कि रात को जो बेचैनी जो अब काफी समय से हो रही थी वो लोगों को अब वो बेचैनी नहीं हो रही है, वो अब सुकून महसूस कर रहे हैं। चलिए हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने आपको ग्वालियर के नज़ारे बताए, ग्वालियर में किस तरह से तैयारियां की गई है, विशेष तौर पर सावन को लेकर किस तरह से मंदिरों में रुझान सामने आ रहे हैं, किस तरह से तैयारियां ग्वालियर में की गई है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि उनके शहर में क्या कुछ खास आज होने वाला है और कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी। हेलो जी विनोद, सुन पा रहे हैं? जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सावन जो है वो शुरू हो चुका है, सावन को लेकर मंदिरों में विशेष तरह की तैयारियां चल रही है। इसी क्रम की अगर हम बात करें तो गार्डन वाला में किस तरह की तैयारियां, किस तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं गार्डन वाला।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा का जो हृदय स्थल माना जाता है जबलपुर, और जो भोपाल रोड है वहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बता दूं, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध यहां का जो सबसे बड़ा दरबार है डमरू घाटी, शिवधाम की एक डमरू घाटी यहां का एक बड़ा स्थान है, जो सावन महीने के पहले ही दिन से हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों का आना जाना हो गया है, पूजा प्रसादी का यहाँ के भंडारे चालू हो गए हैं। हम आपको बता दें, डमरू घाटी एक नरसिंहपुर जिला में एक बहुत बड़ा स्थान है, जिसको देखने के दूर दूर के मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से यहाँ पर भक्त आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 17 जुलाई का जो मतगणना हुई थी, मतगणना के बाद यहाँ पर भाजपा और जो कांग्रेसों में जीत हार का फैसला हुआ था, बड़ी संख्या में यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी जो पार्षद प्रत्याशी हैं सभी यहाँ गाड़ावाड़ा नगर पालिका में भी जीते हैं, नगर पालिका गाड़ावाड़ा के अंतर्गत चिचली में जीते हैं, साली चौका में जीते हैं और साईकेड़ा में जीते हैं। अभी चुनाव को लेकर और अध्यक्ष बनाने के लेकर यहाँ पर जो चुनावी हलचल है वो तेज हो चुकी है। सभी जो पार्षद हैं उम्मीदवार हैं जो अध्यक्ष बनने की दावेदारी अपनी रख रहे हैं, अपने जो शुभचिंतक नेता हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और जनता में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा नाम कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से हमारा नाम जाना चाहिए। सबसे बड़ी खबर तो यही है अभी गाड़ावाड़ा नगर पालिका की कि सभी नगर परिषद में और नगर पालिका गाड़ावाड़ा में नगर परिषद अध्यक्ष बनने के लिए बड़ी दावेदारी की जा रही है। यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा भी जो भाजपा के 19 पार्षद यहाँ पर जीते हैं, हम आपको बता दें 3 ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ पर हैं, तो सभी एक बड़े चेहरा क्योंकि ब्राह्मण सीट भी है यहाँ पर, तो सभी जो शुभचिंतक है भाजपा के जो उनके नेता है, पूर्व विधायक हो या मंत्री हो, सभी के पास आना जाना मिलना हो रहा है। हमारे पास कुछ नागरिक खड़े हैं, हम सीधा आपको गाड़ावाड़ा की सीधी सही सही जानकारी इन लोगों से पूरी आपको बताते हैं कि गाड़ावाड़ा में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। हम सीधे कुलदीप ढाबा के सामने खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यह जबलपुर रोड है और इस साइड हम भोपाल रोड चले जाते हैं, तो हमारे सामने सीधे कुलदीप ढाबा के जो मालिक है संचालक वो खड़े हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप भाई बताएं गाड़ावाड़ा की क्या हालचाल है? गाड़ावाड़ा की हालचाल ये है कि भाई अब नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के नगर का अध्यक्ष बनेंगे जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप भी है कि हर जगह 5 सीट कांग्रेस की आई है, हर जगह अगर नगर परिषद तेंदुखेड़ा देखें, नगर परिषद साली चौका देखें, नगर परिषद साईखेड़ा देखें, गाड़ावाड़ा देखें, 5 से ज्यादा यहाँ पार्षद नहीं है, उनका आरोप है कहीं ना कहीं मशीनों पे भी हेरफेर हुआ है। ये जो परिणाम निकल के आए हुए ये जनता का आशीर्वाद है और राष्ट्रभक्त की जीत हुई है। हाँ। और जो राज्य से मिलने वाली योजना है, जो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान की जनकल्याणकारी योजना है धरातल पर, जो उनका फायदा और केंद्र सरकारी जो बनने वाली योजना जो मिलने वाली है सीधा परिणाम उनका है। इसमें ईवीएम किसी का भी नहीं है, विपक्ष का आरोप है, ये तो बस जीत के बाद ये सब हम लोग जीतते हैं जब ये आरोप बेबुनियाद लगाया जाता है। भाजपा पार्टी में क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे पूरे जिले में संपूर्ण मतदान से बीजेपी जीती और बहुमत से जीती है, सभी पंचायत नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, सब में बीजेपी की तैयारी चल रही है और बीजेपी जीत रही, यानी कि बीजेपी का अध्यक्ष बनेंगे और अच्छी परिषद चलाएंगे बिना भ्रष्टाचार और बिना किसी तरीके से। आपके गाड़ावाड़ा में बहुत शिवधाम डमरू घाटी जो है एक ऐतिहासिक स्थल है, पुराने वाले जो इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा, जो सावन श्रावण महीना चल रहा है, सावन का पहला सोमवार निकल भी गया है, किस तरह की भक्ति भाव है इस मंदिर में आप जानकारी देंगे? ये हमारा गाड़ावाड़ा आस्था का क्षेत्र है और जो डमरू घाटी जो स्थल है शिवधाम स्थल है, मध्य प्रदेश का बहुत पर्यटन स्थल है और यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं और पूरे प्रदेश लेवल से आते हैं, कई जिलों से लोग आते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर मेला लगता है और मेले की शुरुआत हो चुकी है। सावन सोमवार कितने दिन चलेगा ये मेला? ये मेला पूरा सावन सोमवार तक चलेगा, पूरा महीना चलेगा जब तक सावन का सोमवार चलेगा। आप देख सकते हैं ये थे कुलदीप ढाबा के संचालक कुलदीप रजक, इनके द्वारा जानकारी दी गई थी। अब हमारे सामने एक और नागरिक है, आप बताएंगे कहाँ से आए आप? विनोद, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आपने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था और तो कुछ दिन पहले ही गाड़ावाड़ा से जो तस्वीरें आई थी सोमवार की, डमरू घाटी की जो तस्वीरें थी उसमें हमने देखा कि वहाँ पर कई दूर दूर से लोग आए थे, काफी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई, तो इस भीड़ से निपटने के लिए शासन प्रशासन की अब क्या आगे तैयारी है? अब आगे भी सोमवार आने हैं तो सोमवार को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी है डमरू घाटी से? मैं आपको बता दूं, मैं हर बार एक बात बोलता हूं, आप
से कि चाहे मैं हो चाहे बड़े आयोजन हो, इस पर जो जिला कलेक्टर है रोहित सिंह जी की बड़ी नजर रहती है, कहीं चूक ना हो, कोई नागरिक जो श्रद्धालु है परेशान ना हो, उसके लिए उन्होंने बरसात के मौसम से निपटने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और जो डमरू घाटी में विशाल मेला का आयोजन चलता है, हजारों नागरिक इस डमरू घाटी स्थान पर आते हैं। गाड़ावर जो एटीएम है, सृष्टि जयंत देशमुख को जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश है। गाड़ावर एटीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने मंदिर परिसर में जो समिति है और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पुलिस व्यवस्था में चाहे आप राजबागल बघेल ले लें जो यहाँ के थाना प्रभारी है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि मंदिर परिसर में जो भी बाहर के नागरिक आते हैं, किसी भी तरह की इनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी अगर कोई करता है, अगर उनको कोई परेशान करता है, तो निश्चित ही उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। जी चलिए विनोद, आपके पास हमने अभी देखा कि एक युवक खड़ा जो है आपके पास नहीं, वो भी शायद कुछ कहना चाहता है हमारे दर्शकों से, उनसे बात कराइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे पास एक भैया भी खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका, जोर से बोले, कहाँ रहते हैं? गाड़ावाड़ा। गाड़ावाड़ा की, गाड़ावाड़ा में अभी शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? अच्छी चल रही है, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की। गाड़ावाड़ा नगर में जो नगर पालिका से जो व्यवस्था है होना चाहिए, इन व्यवस्था जो पानी निकासी की व्यवस्था है, साफ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जो नई परिषद आई है, अच्छा अध्यक्ष मिले जिससे नगर में सौंदर्यीकरण है प्रशासन से। आप देख सकते हैं इनका कहना है, नगर परिषद आई है, अब नया अध्यक्ष बनेगा, कहीं ना कहीं नया नगर अध्यक्ष बनने के बाद सभी व्यवस्था यहाँ पर ठीक होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाह रहा था, नगर पालिका गाड़ावाड़ा में एक नई जो सीएमओ है, नई जो सीएमओ है मैडम जयश्री जो चौहान है, वो स्थानांतरण सियोरा से होकर गाड़ावाड़ा नगर पालिका आ गई है। उनके द्वारा नगर पालिका में आते ही जो साफ सफाई व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिशा निर्देश कर दिए गए हैं और नगर पालिका में चौकन्ने व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। समस्त कर्मचारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं भी पानी भराता है तुरंत साफ किया जाए, जहां भी खराब व्यवस्था है तुरंत मुझको सूचित किया जाए। जो नई सीएमओ है जयश्री चौहान, उनके द्वारा लगातार नगर पालिका में अभी बेहतर कार्य किया जा रहा है। जी जी विनोद, अगर हम बात करते हैं तो स्कूल जो है, स्कूल भी अब बच्चों के खुल चुके हैं, बच्चों के जाने के लिए भी हमने देखा कि कई तस्वीरें कई क्षेत्रों से सामने आ रही है, जहां पर हमने देखा बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो गाड़ावाड़ा में अगर बात करें तो स्कूल प्रशासन की क्या तैयारी की गई है ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो? मैं आपको बता दूं कि मैंने बीआरसी जो है यहाँ पर जो गिरीश पटेल जी की चर्चा की थी, उनके द्वारा व्यवस्था के बारे में बताया गया था। उन्होंने बताया था कि हमारे जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय में समस्त तैयारी है, जिसमें छोटे बच्चे कक्षा एक से जो बारहवीं तक के विद्यार्थी विद्यालयों में आते हैं, वहां पर चौकन्ना व्यवस्था है जिसमें छात्राएं परेशान ना हो। कहीं कहीं जो गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत आप मान के चलो जो चीचली विकास खंड है, चीचली विकास खंड की कई ग्राम पंचायतों में अभी भी परेशानियां बनी हुई है। खबर भारत ने विशेष खबर पहले भी दिखाई थी कि इन रास्तों पर प्रशासन व्यवस्था करे जिससे बारिश महीने में जो विद्यार्थी आने जाने में परेशान ना हो, लेकिन वहां पर अभी व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई क्योंकि लगातार चुनाव सामने आ गए। अब देखते हैं कि व्यवस्थाएं क्या होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा नगर साईकिड़ा में एक बड़ी सौगात, साईकिड़ा विकास खंड में और नगर साईकिड़ा में एक बड़ी सौगात दी गई है सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल की, जो कि इस वर्ष नगर साईकिड़ा में चालू होगा, हो गया है। और बच्चों के जो विद्यार्थियों के हैं कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक प्रवेश प्रारंभ होकर एक बेहतर पढ़ाई चालू हो गई है। मैं आपको बता दूं वहां पर बहुत अच्छी तैयारी है, सभी नए शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई विद्यार्थियों को करा रहे हैं, पूरे डिजिटल बोर्ड हर कक्षा में लग गए हैं, सभी एक से लेकर बारहवीं तक बैठने की व्यवस्था की गई है और सभी रूमों में पंखे भी लग गए हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो नगर साईकिड़ा में सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल की जो सौगात दी गई है, अब सौगात दी गई है, उत्कृष्ट विद्यालय बनकर यह सीएम राइज हाई सेकेंडरी बन गया है,
लेकिन अभी बिल्डिंग बनी नहीं हुई है। अगले साल एक दो साल बाद जब बिल्डिंग बन जाएगी, निश्चित ही सारे विद्यार्थियों को सीमराज हाई सेकेंडरी स्कूल का बड़ा फायदा नगर साईकेला क्षेत्र में गाड़ावाड़ा तहसील में होगा। जी जी विनोद, अगर हम बात करें मौसम की, तो सावन एक ऐसा मौसम है जिसमें कुतुब मीनार बांध होती है, कई जगहों पर जो है दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। तो गाड़ावाड़ा में वो कौन सी ऐसी विशेष जगह है जहाँ पर दर्शक जो है उमड़ रहे हैं खास तौर पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए? मैं आपको बता दूं, गाड़ावाड़ा में मैं बता रहा हूं कि गाड़ावाड़ा में जो सिद्धांत डमरू घाटी है, बहुत बड़ी जगह में यह डमरू घाटी स्थान बनाया है, बनाए दूर दूर के नागरिक यहां आते हैं। दूसरा स्थान यहां शिव जो अपने रजनीश से ओसो, उनका भी एक यहां गाड़ावाड़ा में स्थान है, वो भी यहां आते हैं। तीसरा स्थान यहां जो आपका एक काज मंदिर भी बना हुआ है गाड़ावाड़ा में बीजासेन दरबार का, वहां भी नागरिक आते हैं लुत्फ उठाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, बड़ा स्थान गाड़ावाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है दादाजी भूमि वालों का लीला स्थल नगर साईकेला, जहां पर नगर साईकेला में दो मंदिर दादा धूनी वालों के बने हैं। दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए दादाजी धूनी वालों के मंदिर आते हैं, क्योंकि एक स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा में दादाजी ने समाधि ली थी, वहां भी आते हैं। एक स्थान साईकेला के पास जो बरिया घाट है, जहां पर दादाजी धूनी वालों ने तपस्या की थी, बरिया घाट का तपस्या की थी। एक मिनट पूरा बता दूं, बरिया घाट के नीचे दादाजी ने तपस्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय हमें अब इजाजत दे रहा है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद जी यहां पर हमने क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बाद सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से गरियाबंद से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ हाल है। गोविंद हमें बताएंगे छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में क्या नजारे नजर आ रहे हैं मौसम को लेकर। जी, मौसम तो यहाँ भी खुश्क है, दो दिन से बारिश हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले लगातार दो से तीन दिनों तक हुई बारिश से पूरा सराबोर हो चुकी है जिला। नदी नाले उफान पर हैं, तालाब वालाब सभी भर चुके हैं और खेती के करने लायक बहुत बेहतरीन ये बारिश साबित हुई है। किसान अभी खेती करने में मशगूल हैं और अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है। जी जी गोविंद, अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई इलाकों में जो है बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की बात करें तो यहां पर जो है बारिश के क्या आसार है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है कि बारिश वहां पर किस तरह से हो रही है, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, गरियाबंद की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें? जी, छत्तीसगढ़ में तो कहीं कहीं बारिश हो रही है, लेकिन जिला गरियाबंद करीबन 200 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, तो कहीं कहीं पे बारिश सुनाई देती है, लेकिन सभी जगह एक समान बारिश नहीं हो रही है। अभी बारिश होने की ये संभावना तो है, तेज है, पूर्वानुमान भी है कि बारिश होने वाली है, लेकिन मौसम को देखते हुए अभी राजिम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बारिश अभी संभावना नहीं है। जी गोविंद, अगर बात करें क्राइम मैनेजमेंट की तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की है, क्राइम जो दर है, क्राइम रेट को कम करने के लिए क्या तैयारियां की गई है गरियाबंद में? जी, क्राइम के जो दर है उसको कम करने में तो पुलिस हमेशा सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। चप्पे चप्पे पे मुखबिर जो है उनको समय समय पे सूचना मिल जाती है। अभी मादक पदार्थ का मामला हो, चाहे जंगली जानवरों को खाल तस्करी का मामला हो, या हीरा के मामला में हो, सभी क्षेत्र में पुलिस, जिला गरियाबंद पुलिस सक्रिय भूमिका निभाते रही है। उनके जो स्पेशल टीम जो काम कर रही है वो उनसे अभी जो अपराधी बच नहीं पा रहे हैं। सभी जगह चौकन्ना है, ग्राफ जो देखा जाए अपराधियों की और या क्राइम की स्तर बहुत डाउन हो चुका है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो है संस्था भी शुरू हो गए हैं, शिक्षण संस्थान भी बच्चों के अब शुरू हो गए हैं। तो स्कूलों से अगर हम बात करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई कैसी चल रही है और शिक्षण संस्थान बच्चों के लिए क्या कुछ प्रावधान कर रहा है? जी, शिक्षण संस्थाओं की बात करूं तो यहां पे बहुत सारा लापरवाही भी देखी जा रही है और कई जो स्कूल की स्थिति है बहुत अच्छा भी है, वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा है। हमारे यहाँ
जैसे गरियाबंद के आसपास जो शहरी इलाका की जो स्थिति तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जंगली इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है वहाँ जैसे एक कक्षा कहा जाए, एक ही भवन में बच्चे पांचवी क्लास तक के, क्लास एक से पांचवी तक के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ टीचर क्षमता से अधिक हैं, खाली बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। तो शिक्षा के स्तर और व्यवस्था कहा जाए यहाँ पे उचित नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ शहरी इलाकों के जो स्कूल है वहाँ पे सही शिक्षक हैं और टाइम में वो आ भी जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के जो स्कूल है वहाँ पे जो शिक्षकगण है वो टाइम में नहीं पहुँच पाते, उनका उचित वो है समय वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई को देखा जाए तो अव्यवस्था का भी आलम है। कई जगह अतिरिक्त जो भवन बन रहा है वो भवन अभी अधूरा पड़ा है, 2 साल से भवन पूरा नहीं हो रहा है, जिससे बच्चों को अपने क्लासरूम में बैठने के लिए बहुत परेशानी हो रही है और शिक्षकों को पढ़ाने में भी दिक्कतें हो रही है। कई जो शालाएं हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। हर जगह पे जब भी हम बात करते हैं तो भूपेश बघेल यही कहते हैं कि विकास की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। तो जमीनी स्तर पर हम अगर देखें तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, ये कहने में सत्य है। और जमीनी स्तर पर देखा जाए कि विकास यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये नरवा गुरवा जो योजना है ना, जमीनी स्तर पे सिर्फ आपको दिखाएगा, लेकिन जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गौशाला निर्माण नहीं हो रहा है, गौठान जो है वहाँ रोका छेका के माध्यम से जो जानवरों को रोक के रखना चाहिए, चारा व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ औपचारिकताएं बस हो रही है, खाद के नाम पे गोबर तो खरीदी जा रही है, लेकिन वहाँ सोसाइटियों में ये खाद के रूप में दिख नहीं रहा है, मिट्टी विट्टी जैसे मिला हुआ दिखता है। और जितने भी गौठान हैं वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है, और नरवा घुरवा के अंतर्गत जो नाला साफ सफाई है वो औपचारिकताएं बस दिखती है, मनरेगा का कार्य से हो रहा है। और कहा जाए तो भूपेश सरकार के जो कई बड़ी योजनाएं हैं धरातल पे, मतलब जमीनी स्तर पे दिख नहीं रही है। जी, और अगर हम बात करते हैं तो खाद समस्या, अभी आपने जिक्र किया खाद समस्या, क्या खाद समस्या भी जो है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ प्रावधान कर रही है इससे निपटने के लिए? शिकायतें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई की गई है? कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ घोषणाएं हो रही है, और किसान बहुत ज्यादा खाद को लेकर बहुत परेशान है, उनको सही समय पर खाद नहीं मिल रहा है। जैसे कि रासायनिक खाद है, यूरिया, पोटास, डीएपी वगैरह जो काला बाजारी के रूप में ज़्यादा सामने आ रही है, और जहाँ पे सोसाइटियों जो बनना है कि सरकारी सहकारी समिति वाला, वहाँ पे सही समय पर तो उपलब्ध नहीं हो पाई। जी चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सीधा रुक करेंगे हम भिंड की ओर। भिंड में क्या कुछ है मौसम के नजारे, ये जानेंगे हमारी संवाददाता मधु कटारे, हमारे साथ भिंड से जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ मौसम के नजारे वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुदरत जो है वो अब रुख बदलती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दर्शक आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, थोड़ा लाउड वॉइस में आप बात करें ताकि हमारे दर्शक भी आपको क्लियरली सुन पाए। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पर नगरी निकाय पंचायतों को लेकर चुनावी कंप्लीट तरीके से कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुने गए हैं, जहाँ पर एक नया अंदाज में आपको विकास के तौर पर आपको लेके आया हूँ। आज खबर भारत आपको एक भिंड शहर का एक अलग एक नया अंदाज से विकास हुआ था, उसकी तरफ आपको एक दृश्य के माध्यम से आपको नजारा आपको दिखाने वाला हूँ। जो है ये विकास काफी सालों से पुराना दृश्य डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ के जो रहवासी है वो काफी दिनों से काफी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम इस समय अपने यहाँ पर मौजूद रहवासियों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यह समस्या
यह अभी तक तो मधुर, अगर बात करें यहाँ पर मौसम की तो जिस तरह से देखा जा रहा है, आपके पीछे की ही बात कर ले, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं ये काफी चिंताजनक है। बारिश का मौसम है, इस तरह की जो व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन बावजूद इसके जो है सड़कों पर इस तरह से कीचड़ हो रहा है, बारिश का जो है वो जो कीचड़ है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, नगर निगम जग की जा रही है, उठाओ कहाँ काट रहा हूँ, चलेगी कनेक्टिंग फेल तो नहीं होगी, बड़े काम से कनेक्ट होता है। यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज शायद मधुर को नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से भिंड में नजारे नजर आ रहे हैं। मौसम से यहाँ पर जन व्यवस्था को काफी दिक्कतें हो रही है, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बारिश है, बारिश से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बालाघाट की ओर, वहां पर हमारे साथ श्याम जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे वहां पर बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट में क्या कुछ नजर आ रहा है मौसम को लेकर, क्या कुछ नगर परिषद के सामने ही, नगर पालिका के सामने ही वो खड़े हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है। जी श्याम जी, आपको बता दें कि जैसे कि चुनाव का माहौल अशांत हो गया है, वैसे लगभग यहाँ पे भी बारिश का माहौल अशांत नजर आ रहा है। आज बड़े चिलचिलाती धूप निकली है और अभी नगर पालिका के सामने खड़े हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्षदों का आलू है, लोग अब यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कवायद लगा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना तय हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग आज यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ से वार्ड नंबर 8 से पार्षद रह चुके हैं और इस बार फिर उनकी पत्नी ने विजय हासिल किया है। जी बिल्कुल श्याम, और अगर कहीं ना कहीं बात करते हैं तो बालाघाट की जो राजनीति है ये भी पल पल बदलती नजर आती है। हम शुरू से ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो है राजनीति का एक अलग ही स्वरूप देखा जाता है, तो यहाँ पर जो है अब चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं, इसके बाद जो जनता है, जनता का क्या कुछ रुझान यहाँ पर आ रहा है सामने और किस तरह से व्यवस्थाओं में बदलाव होने की उम्मीदें हैं। जी, मैं आप इस सवाल के लिए हमारे सामने जो भूतपूर्व पार्षद हैं और अभी उनकी पत्नी यहाँ से विजय हुई हैं, हम इनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ की राजनीति बार बार करवट लेती है। जी भाई साहब, आपका परिचय। मैं पन्ना शर्मा, पूर्व पार्षद, इसको लगा लीजिए कान में। हाँ श्याम माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम बात करें, हम 10 साल पहले बीजेपी रह चुकी है और उसके बाद तीसरी बार विजय, जब वहाँ की समस्या की समस्या क्या हुआ है और उसके बावजूद भी आम आदमी ने बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया है, क्या कारण मानते हैं क्या? वैसा सत्ता का प्रभाव तो बढ़ता है, सत्ता के साथ में अधिकांश लोग जो है जाना चाहते हैं, हमारी समर्थन चार आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी बालाघाट को बेहतर बनाने सहयोग करेंगे, जो भी सत्ता में आया था कौन कदम अगर आपके हम 15 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, बालाघाट की क्या अंतर देख रहे हैं आप? सर क्या है उसमें बालाघाट के माध्यम से कुछ नहीं रहा, हमने जो समझा और देखा तो क्या रणनीति रहेगी
चलिए श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो हेड श्याम सूर्यवंशी जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है राजनीति वो पल पल के साथ रुख बदलती रहती है। कुछ ऐसा ही नजारा बालाघाट में भी नजर आ रहा है। और हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।